हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया फोन। देख सकते हैं हमारे पास एक सैमसंग कंपनी का टीवी है, 14 इंच का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हैं, कैसे हमारा पिक्चर जो फिकरिंग हो रहा है और हमारा टीवी पे स्क्रीन जो है वो क्लियर नहीं है। मैं क्या करता हूँ, पहले टीवी को बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद कुछ देर के बाद मैं टीवी को फिर से ऑन करता हूँ तो हमारा कैसे पिक्चर आ रहा है। देखिए हमारा पूरी तरह से क्लियर स्क्रीन है। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, हमारा टीवी पे जो स्क्रीन है वो स्क्रीन हमारा छोटा हो जाता है, पिक्चर छोटा हो जाता है और हमारा फिकरिंग करने रखता है। देखते रहिए तो प्रॉब्लम पता चल जाएगा, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वो भी बताऊँगा। तो पहले प्रॉब्लम को देख लीजिए तो पता चल जाएगा। दोस्तों देखिए, आहिस्ता आहिस्ता नीचे साइड से हमारा छोटा हो रहा है पिक्चर, और कुछ देर के बाद हमारा पूरी तरह से पिक्चर ऊपर नीचे से छोटा हो जाएगा और जो ब्लू कलर का पिक्चर है वो व्हाइट पे आ जाएगा। देखिए व्हाइट पे आ गया है और थोड़ी देर के बाद हमारा पिक्चर पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा पूरी तरह से छोटा सा हो गया है। मतलब दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है वो हमारा वर्टिकल सेक्शन से आ रहा है। वर्टिकल सेक्शन पे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वो देखने के लिए पहले टीवी को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम होता है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ पहले टीवी को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद फिर से टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम को देख लेंगे। पहले टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज करना पड़ता है। दोस्तों हमारा स्टैंड बाय से रिलीज हो गया है। रिलीज होने के बाद देखिए दोस्तों हमारे टीवी पर पिक्चर अभी क्लियर है और नीचे साइड से एक छोटा सा एक बॉर्डर आ रहा है और थोड़ी देर के बाद क्या होता है वो भी देख लेंगे। और हमारा टीवी का पिक्चर जो है, पिक्चर हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा एक पिक्चर आ जाएगा लाइन पे। और इसके लिए पहले इसका देखिए, हमारा 14 इंच का ट्यूब है और ये रहा यॉक कॉइल, ये रहा बेस बोर्ड, ये रहा हमारा मेन पीसीबी। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम आया है ये हमारा मेन पीसीबी से आया है। मेन पीसीबी का जो वोल्टेज का प्रॉब्लम है या हमारा वर्टिकल जो आईसी है, आईसी पे प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए देखना पड़ेगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। देखिए दोस्तों हमारा पिक्चर छोटा हो गया है। इसके बाद मैं देखूंगा इसका वोल्टेज। दोस्तों हमारा वोल्टेज का मिसिंग का प्रॉब्लम मिसिंग मिल जाएगा तो हमारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए पहले हमारा पावर सेक्शन का वोल्टेज देख लेते हैं, 117 है। उसके बाद हमारा ये वाला 12 वोल्ट है और ये रहा हमारा 14 वोल्ट 12 वोल्ट जो हमारा साउंड सेक्शन के लिए आता है। ठीक है दोस्तों, हमारा देखिए हमारा पिक्चर छोटा सा है अभी तक, लेकिन हमारा पावर सेक्शन का सभी वोल्टेज ओके है। ये जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट हमारा रेगुलेटर सेक्शन के लिए दिया गया है। रेगुलेटर सेक्शन को चेक करने से पहले इसका ESD सेक्शन को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा 180 वोल्ट बन रहा है या नहीं। ये 200 वोल्ट के आप पे बन रहा है, इसीलिए दिख नहीं रहा था। देखिए 213 वोल्ट। उसके बाद देखेंगे हमारा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है जो हमारा सिस्टम पे इस वाला पिक्चर को दे रहा है। इसलिए क्या करेंगे, पहले इसका रेगुलेटर का वोल्टेज चेक करेंगे या हमारा जो वर्टिकल सेक्शन पे वोल्टेज आ रहा है, जो हमारा वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम है, इसलिए वर्टिकल सेक्शन का वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए 627 वोल्ट, मिडिल वाला जो है हमारा ग्राउंड है और इस वाला भी हमारा 26 वोल्ट आएगा इस वाला पॉइंट पे। ठीक है 27 वोल्ट, मतलब हमारा जो वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम मैं बता रहा था, वो वर्टिकल सेक्शन पे जो हमारा वोल्टेज आना चाहिए वो वाला वोल्टेज हमारा आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारा इस वाला प्रॉब्लम दिख रहा है। क्यों दिख रहा है वो इसका देखने के लिए क्या करेंगे, पहले सिस्टम को जो हमारा रेगुलेटर सेक्शन है वो रेगुलेटर सेक्शन को चेक करेंगे। दोस्तों रेगुलेटर सेक्शन को देख लेते हैं। रेगुलेटर सेक्शन पे हमारा दो वोल्टेज बनता है, एक तो हमारा जो ट्यूनर पे मिलता है 5 वोल्ट, इस वाला पॉइंट पे मिलता है 5 वोल्ट। देखिए इस पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, मतलब 0.2 वोल्ट मिल रहा है। जो इस पे हमारा 5 वोल्ट तक मिलना चाहिए था उस पे हमारा मिल रहा है 2 वोल्ट। और 2 वोल्ट मिलने के बाद इस पे हमारा जब तक 5 वोल्ट नहीं ऑन होगा सही तरीके से, वो हमारा सिस्टम पे प्रॉब्लम देगा। इसीलिए देखिए हमारा 2.8 दिख रहा है, 2.7 2.8। ये वाला जो हमारा 5 वोल्ट के जगह पे हमारा 2.8 आ रहा है, इस पे हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए था। उसके बाद देखेंगे हमारा 9 वोल्ट सही है या नहीं।
9 वोल्ट मिलता है, जो हमारा आरजीबी का ट्रैक होता है आरजीबी पे मिल जाता है 9 वोल्ट, 8.8 दिख रहा है। मतलब 8.8 पे जो हमारा वोल्टेज जाना चाहिए 9 वोल्ट पे, वो तो हमारा सही है, लेकिन इस पे जो हमारा 5 वोल्ट मिलना चाहिए था उस पे मिल रहा है 2.8 वोल्ट। ये 2.8 वोल्ट जब तक हमारा 5 वोल्ट तक नहीं आएगा तो हमारा इस वाला प्रॉब्लम रहेगा। दोस्तों जब मैं पहले ही बता रहा था हमारा ये वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम है, वर्टिकल सेक्शन पे हमारा जो 5 वोल्ट जो मिलता है, 5 वोल्ट मिलने के बाद वर्टिकल सेक्शन को हमारा फ्लिप मिलता है और आईसी को फ्लिप मिलता है, और फ्लिप मिलने के बाद हमारा पिक्चर तैयार होता है, वो वाला प्रॉब्लम आ रहा है जो हमारा वर्टिकल सेक्शन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, पहले ये वाला रेगुलेटर सेक्शन को सही करना जरूरी है, नहीं तो हमारा वर्टिकल सेक्शन काम नहीं करेगा। और हमारा इस वाला वोल्टेज ड्रॉप हो गया है, इसीलिए हमारा जो ब्लू स्क्रीन था वो ब्लू स्क्रीन भी हमारा हट गया है, वो व्हाइट वाला कलर आ गया है। इसीलिए क्या करेंगे, 5 वोल्ट कहाँ से आता है, ये तो हमारा 12 वोल्ट का पॉइंट है, और देखिए 12 वोल्ट का पॉइंट है, और 12 वोल्ट का पॉइंट आने के बाद हमारा रेगुलेटिंग होने के बाद इस वाला जो ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, ये वाला ट्रांजिस्टर पे हमारा वोल्टेज तैयार होता है जो हमारा 5 वोल्ट होता है। और इस पे चेक कर लेते हैं जो हमारा इनपुट पे कितना आ रहा है, 5.8 बता रहा है, और जो आउटपुट पिन है उस पे दिख रहा है 3 वोल्ट। मतलब हमारा ये वाला कोई भी वोल्टेज हमारा सही नहीं है, जो हमारा इस वाला पॉइंट पे भी मिल रहा है और हमारा आउटपुट पिन पे भी मिल रहा है, वो वाला पॉइंट पे हमारा जब तक हमारा सही तरीके से वोल्टेज सही नहीं होगा तो हमारा इस वाला प्रॉब्लम रहेगा। इसीलिए क्या करेंगे, ये रेगुलेटर सेक्शन पे जो हमारा ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, ये ट्रांजिस्टर को ओपन करना है, ओपन करने के बाद इसका वोल्टेज चेक करेंगे, नया वाला एक ट्रांजिस्टर लगाएंगे, ट्रांजिस्टर लगाने के बाद जो वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो गया है वो वाला वोल्टेज को चेक कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको ट्रांजिस्टर को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने ट्रांजिस्टर को ओपन कर चुका हूँ, जो 5 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर दिया गया था वो ट्रांजिस्टर को मैंने ओपन कर चुका हूँ, और ओपन करने के बाद ये वाला ट्रांजिस्टर था, जो ट्रांजिस्टर का नंबर दिखा देता हूँ दोस्तों, देखिए ये हमारा ट्रांजिस्टर था जो C2236 ये वाला ट्रांजिस्टर था। इस ट्रांजिस्टर के बदले में नया वाला एक ट्रांजिस्टर लगा लेते हैं, और लगाने के बाद देखते हैं जो हमारा आउटपुट का जो वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट के जगह पे हमारा 2.2 हो गया था, वो वाला वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट तक आता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, नया वाला एक ट्रांजिस्टर लेते हैं, ट्रांजिस्टर लेने के बाद इसको कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट करने के बाद इसका वोल्टेज चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं ट्रांजिस्टर लगा लेता हूँ। दोस्तों मैंने नया वाला ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट करने के बाद पुराना वाला ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर चुका हूँ, और रिप्लेस करने के बाद इस पे जो वोल्टेज का मिसिंग का प्रॉब्लम था वो वाला सेक्शन देख लेते हैं। जो पहले वाला जो पिन था उस पे हमारा 5.8 वोल्ट आ रहा था, 5.8 वो भी सही है। उसके बाद जो हमारा आउटपुट पिन हो रहा था उस पे हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा था, उस पे हमारा 2.8 दिख रहा था, और हमारा क्लियरनेस नहीं था, वोल्टेज नहीं था, और 2.8 पे हमारा वोल्टेज जो टीवी का पिक्चर था वो पिक्चर क्लियर नहीं था। इसीलिए मैंने ट्रांजिस्टर चेंज कर देने के बाद इस पे हमारा 5.2 आ चुका है, और 5.2 आने के बाद इस पे जो हमारा ट्यूनर सेक्शन लगाया हुआ है, ट्यूनर सेक्शन पे भी चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा 5 वोल्ट आ चुका है। मतलब दोस्तों जो हमारा 2.8 का वोल्ट आ रहा था, मिसिंग हो गया था 5 वोल्ट से, वो वाला वोल्टेज हमारा सही हो गया है। और सही हो जाने के बाद हमारा टीवी पे जो हमारा प्रोसेसर लगाया हुआ है वो प्रोसेसर हमारा सिग्नल भेज सही तरीका से हमारा सिग्नल भेज रहा है हमारा वर्टिकल सेक्शन को, और वर्टिकल सेक्शन को सेंस भेजने के बाद हमारा पिक्चर का जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसको तो पहले तो टीवी को ऑन करने के बाद हमारा ये पुराना वाला रेगुलेटर भी सही तरीके से काम कर रहा था, उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमारा इस वाला प्रॉब्लम आ रहा था। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपके पास जो टीवी रिपेयर होने के लिए आया है वो टीवी तो आपके पास पहले तो 2-3 मिनट तो अच्छी तरह से चलेगा, उसके बाद इस वाला प्रॉब्लम आता है। इसीलिए क्या करते हैं, टीवी को पहले इसको कुछ देर के लिए ऑन करके रखता है, रखने के बाद इसके वोल्टेज को चेक करने से इस वाला प्रॉब्लम फाइंड आउट होता है। ठीक है, मैं ट्रांजिस्टर को चेंज कर देने के बाद मैंने इसको कुछ देर के बाद चलाने के बाद इसको चेक किया तो हमारा सिस्टम सही तरीके से चल रहा है। इसीलिए क्या किया, हमारा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आज का वो सॉल्व हो चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था, हमारा टीवी को कुछ देर के बाद चलाने के बाद हमारा टीवी पे जो फुल पिक्चर होता है, ब्लू स्क्रीन होता है, वो स्क्रीन हमारा नीचे साइड से ऊपर साइड से
आहिस्ता आहिस्ता जंपिंग करने के बाद ऊपर नीचे से हमारा छोटा हो गया था पिक्चर, और पिक्चर छोटा होने के बाद हमारे टीवी पे जो ब्लू स्क्रीन था, वो ब्लू स्क्रीन हटने के बाद हमारा हो गया था जो हमारा व्हाइट स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन सही व्हाइट स्क्रीन पे हमारा छोटा सा एक पिक्चर आ रहा था। वो वाला प्रॉब्लम को मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला ये वाला रेगुलेटर पे हमारा जो 5 वोल्ट 8 वोल्ट बनता है वो वाला 8 वोल्ट तो बन रहा था लेकिन हमारा 5 वोल्ट नहीं बन रहा था। इसीलिए मैंने क्या किया, ट्रांजिस्टर को चेंज कर देने के बाद हमारा 5 वोल्ट बनना शुरू हो गया है और हमारा टीवी भी सही तरीके से काम करना शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। दोस्तों देखिए, मैं अभी तक हमारा टीवी को स्टार्टिंग करके रखा था, हमारा टीवी ठीक चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।